आज हम लोग समझेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? विच रिफ्लेक्ट्स बैक, है ना। मतलब कि अगर हम बॉल थ्रो कर रहे हैं वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर, तो बॉल हमारी कैसी होगी? वापिस हमारे ऊपर आ जाएगी, है ना, या हमारे पास में आएगी या साइड में जाएगी। तो दैट इज द रिफ्लेक्शन। तो इसको हम दूसरे टर्म में कैसे बोलेंगे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, क्योंकि हम ये जो चैप्टर है ये आपका लाइट से रिलेटेड है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो वी विल राइट दैट ओनली, क्या है आपका रिफ्लेक्शन? इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आपका तो ऐसा नहीं है कि कैसे होगा ये? हाउ? जब तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा इट विल नॉट बाउंस बैक। तो आपको क्या चाहिए? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्ट करता है। इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको आप समझो, सपोज मैंने यहां पर क्या किया, एक प्लेन ली। सपोज दिस इज योर, जो बोर्ड है ये आपका एक प्लेन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया वहां पर एक लाइन ली थी। तो ये लाइन से मैंने क्या किया, ये जो प्लेन है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो दिस इज योर प्लेन वन और ये हो गया आपका प्लेन टू। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये कुछ भी नहीं है, क्या है आपका? इट्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मैंने इसको लिख दिया यहां पर, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सरफेस, ठीक है ना। तो अब देखो आपकी लाइट आ रही है, क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्शन होना है, दैट मींस वी आर थ्रोइंग लाइट, है ना, लाइट को हम थ्रो कर रहे हैं। तो सपोज मैंने लाइट यहां से थ्रो की, तो ये जो रे है लाइट वाली रे, इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। तो जो जिसको हम डायरेक्टली थ्रो कर रहे हैं दैट इज आवर इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बीच में नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल क्या होता है? कोई भी रे अगर आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर है दैट इज द नॉर्मल। दैट मींस हियर ये देखो परपेंडिकुलर है, इट फॉर्म्स अ 90 डिग्री है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको एंगल यहां पर मेजर करेंगे, इफ यू मेजर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल, तो दैट इज योर एंगल आई। तो एंगल आई क्या होता है आपका? इंसिडेंट एंगल। एंगल, और अगर आप रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल के बीच में एंगल मेजर करेंगे, ये वाला, वो तो आपका पहले वाला था, सेकंड इज दिस वन। तो
तो क्या होगा ये रिफ्लेक्टिंग एंगल और यू कैन से रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको हम लिखते हैं स्मॉल आर से, तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल आर, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई आपको। अब देखो हमको लॉस लिखने हैं, तो इसका फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ये बोलता है व्हाट इट स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे, ओनली रेज के बारे में बात करेंगे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। इसको समझो, सेम प्लेन का मतलब क्या है? देखो ये जो हमने इसको डिवाइड किया था रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, देखो उसी के एक ही साइड में है, वो एक ही साइड में है, दूसरे साइड में नहीं गया, तो इट लाइज इन द सेम प्लेन, दैट मींस प्लेन वन में ही है वो, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ डील्स विद द एंगल, फर्स्ट लॉ डील्स विद द रे, सिर्फ रे को दिखाएगा, सेकेंड लॉ एंगल्स में। तो यहां पर देखो क्या है, एंगल आई दैट मींस इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका इंसिडेंट एंगल दैट इज योर एंगल आई इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये दोनों एंगल आपके कैसे होंगे, इक्वल। तो दैट इज द सेकेंड लॉ, तो आपका लॉ भी खत्म हो गया इसमें और आपका रिफ्लेक्शन भी आपको मालूम पड़ेगा।